मुस्तफा कमाल साहब। नहीं, मैंने भी तो कुछ बताना है ना कि मैंने क्या करना है। हनीफ अब्बासी साहब तशरीफ रखें जी। मुस्तफा, शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। शुक्रिया, शुक्रिया जनाब स्पीकर। कल जो वाकया हुआ है, ये इसकी कोई भी इसकी तायीद नहीं कर सकता। आईन और कानून को मानने वाले इस पार्लियामेंट में जो लोग भी बैठे हैं उसकी तायीद नहीं कर सकते, और हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि एमएनएज और ये जो ऐवान है ये बहुत मोतबर है, और यहाँ पर इस अहाते में जो एक प्रिविलेज्ड है लोगों को, जो इख्तियार है, जो जो उनको हक हासिल है, वहाँ पर ये वाकया नहीं होना चाहिए। और हम भी इसकी जो है वो मजम्मत करते हैं, और आपसे चाहेंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो अपना रोल प्ले करें। लेकिन जनाब स्पीकर साहब, ये जंग की इब्तदा नहीं है, जंग के आउटकम्स हैं सारे। ये जो सब कुछ हो रहा है इस मुल्क में, और वो कोई और बाहर वाला नहीं कर रहा है, जमहूरी ताकतें कर रही हैं। और अगर रिसेंट ही अगर आप एग्जाम्पल और बात सुने, तो अभी इतवार वाले दिन जो जलसे में वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है, वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? वो कौन से मुल्क को मुस्तहकम करने की तकरीर है? वो कहाँ से जोड़ने की बात है? मैं बहुत अदब एहतराम से अपने पीटीआई के दोस्तों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई तो उसका एंड होगा ना, कहीं तो रुकें, मुल्क की खातिर किसी जगह तो रुकें। रुक नहीं रहे ना हर चीज़। आप जब कोई एक्शन करेंगे, रिएक्शन आए। क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप इदारों के सरबराह के लिए? क्या आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के दूसरे लोगों के लिए बात कर रहे हैं? क्या आप ख्वातीन के लिए बात कर रहे हैं? क्या आप मीडिया के लिए बात कर रहे हैं? तो जब आप जंग शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर कहाँ से आइन कानून और किसी भी जो वो जमहूरियत की पासदारी रह जाती? तो खुद ये आप किसी को किसी अमल पे बुरा कह के बात ख़त्म नहीं हो जाएगी। आज जिसके पास पावर है, जिसके उसको ही समझना पड़ेगा। अगर आज हमारी इस तरफ लोग बैठे हुए, अगर उनके पास हुक्मरानी की ताकत है, आपके पास पॉपुलैरिटी होगी, ठीक है, मानते हैं भाई आप पॉपुलर जमात हैं, आपको आपके पास पॉपुलैरिटी है, तो उस पॉपुलैरिटी की पावर को इन चीज़ों में लोगों को गालियां देने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय खुदा के वास्ते उसको ज़रा संभालें, और इस मुल्क की खातिर कोई बात करें, रिकंसिलेशन करें। अभी भी आपका नैरेटिव ये है कि जो मेरे वोट, मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया, वो चोर है, वो मुल्क दुश्मन है, उससे बात नहीं हो सकती। और जो मेरे साथ है, चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आइनी हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। हम सब, कोई भी फरिश्ते नहीं है यहाँ पर, सबकी अलग अलग अपनी हिस्ट्री रही। आज हमें, सर मेरा ताल्लुक कराची से, हमारी एक हिस्ट्री रही है। आज हमें लोग सवाल करते हैं कि भाई ये जो जलसों में लाइव तकारीर हो रही हैं, क्या अल्ताफ हुसैन ने क्या इससे ज़्यादा बुरा कहा था कुछ? हमें जवाब देना मुश्किल है। और बात सही है, लोग आज हमने पूरी बगावत कर दी पार्टी लीडर के खिलाफ, पूरी पार्टी अलग हो गई है। लेकिन आप तजिया करें, अगर आप मवाजना करें कि जो आज इदारों के सरबरा को, आर्मी चीफ को, इदारों को और खवातीन जो लाइव बातें की जा रही हैं, क्या ये इससे पहले कभी हुआ है? तो ये इसको खुदा के वास्ते इस पॉपुलैरिटी को संभालें, रोकें। लोग, कोई भी खुश नहीं हो रहा, कोई भी टीवी देखकर, कोई भी ये सारा कुछ देख, किसी चीज़ से ना कल के वाक़े से मुल्क को फ़ायदा हुआ है, और ना इतवार वाली तकरीर से, और ना जो आप कुछ कर रहे हैं उससे मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। मुल्क को नहीं फ़ायदा हो रहा। कितनी दफ़ा इस तरफ के बैठे हुए पावरफुल जो लोग भी हैं, वज़ीर आज़म हैं, और सब ने कहा भाई, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, हम खैर छोटी जमातें, हम बार बार कहते हैं कि भाई इस मुल्क को इस कॉगमायर से कोई एक सिंगल पार्टी नहीं निकाल सकती, आइए मिलकर काम करें। बड़ी बात है, क्योंकि जब आप पावर में थे, आपने तो किसी को चोर के अलावा कोई और बात कही नहीं। क्या ये तजलील बिल्कुल है जो कल हुई है? लेकिन अगर आप अपने लोगों को ऐसे तैयार करें कि कोई रेस्टोरेंट में बैठकर इज्जत से कोई जा नहीं सके, किसी बाहर जा नहीं सके, आप लोगों को उसके पीछे छोड़ दें,
आप नौजवानों को उसके पीछे छोड़ दें, वो आपको गालियां बकें, क्या ये जमहूरियत की बड़ी खिदमत है? तो आपने क्या बोया है? आप जब आप पॉइजन बोएंगे तो फिर आप पॉइजन काटेंगे ना भाई, ये सब आउटकम है उसका। ये इट मैं कोई बहुत खुशी से ये बात नहीं कह रहा और मुझे कोई खुशी नहीं है इस वाली बात पे, लेकिन मैं अपनी पार्टी की जानिब से दोनों तरफ के साहिबान को सबको कहना चाहता हूँ कि भाई यहाँ से भी अब ब्रेक लगाएं, अब रोकें खुदा के वास्ते। स्पीकर साहब आप भी रोल प्ले कीजिए, पाकिस्तान यहाँ बहुत मोतबर लोग हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, यहाँ पे बड़ी पार्टीज़ के लीडरान हैं, और मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं, मौलाना साहब से बात करें और लोगों से। और भाई जो भी कॉमन एजेंडा है, जहाँ पे डिफरेंसेस हैं, सब अपनी अपनी पार्टी के डिफरेंसेस रखें, कोई चार तो ऐसी बात निकालें जिसके ऊपर कोई एक दिन ऐसा भी तो हो कि यहाँ पर उधर वाले खड़े होकर यहाँ के चार कामों की तारीफ करें और यहाँ वाले खड़े होकर उधर के चार कामों को, कोई एक दिन, कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा भी तो हो, हर किसी ने बुरा ही काम किया है। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें खुदा के वास्ते, आज भी रोकें। हम ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो बात करते हैं, एज इफ के जो है वो सब लोग जो है वो गलत हैं, आप जो है वो सही हैं, ऐसा हो नहीं सकता। किस ये बात कर लें फिर, अगर इजाजत दें ये बात कर लें फिर मैं आपको दूं। तो स्पीकर साहब, मेरी सिर्फ ये मुअद्दबाना गुजारिश ही है, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि इस तमाम इजाजत दे दें, वो बात कर लें फिर मैं आपको देता हूँ। इस तमाम एपिसोड को, इस तमाम वाकयात को स्पीकर साहब, आपके पास लोग जमा होते हैं इजलास के एजेंडे को तैयार करने के लिए, आप इस इजलास को चलाने का जो एजेंडा है इस पे, इसके अलावा आप इस मुल्क को चलाने का एजेंडा भी जो है वो बात करें। आपके पास लोग आते हैं, पीटीआई के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, एमक्यूएम के, पीएमएलएन के, आप वहाँ पे उस अपने ऑफिस को प्लीज़ इस काम के लिए भी इस्तेमाल करें कि भाई कहीं से कोई एक रूल्स ऑफ गेम तो हम बनाएं, कहीं से कोई रिकंसिलिएशन की बात करें ताकि ये मुल्क जो है वो आगे चले। ये बुरा वाकया है लेकिन इसको देखना पड़ेगा, जो आपने इतवार को किया है ये उसका आउटकम है। आप जब गालियां बकें भाई, जिसका जहां बस चलेगा फिर वो करेगा, पागलपन का जो आप कर रहे हैं तो वो तो फिर उसकी आउटकम इसी तरह की जो है जहरीली चीज़ें होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते अब भी सेंस प्रिवेल करना चाहिए, इट्स नेवर टू लेट। ये सब कुछ हो गई है, लोगों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये सेंस प्रिवेल करें, बात करें और बैठकर इसको हल करें, और ये कुछ जो कुछ हुआ हम इसको कॉन्डेम करते हैं। मीर मुनव्वर अली तालपुर साहब। मिस्टर स्पीकर, थैंक यू वेरी मच फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक ऑन दिस। सर, आप हाउस के कस्टोडियन हैं, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द हाउस ऑफ दिस पार्लियामेंट, एंड ये जो कुछ हुआ है, बहुत आई एम वेरी हर्ट रियली, एंड एवरी मेंबर इज नॉट अलाउड। तो आप सर इसको टेक इट वेरी सीरियसली कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो ये हुआ है कल, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। The way the behavior the members has told, or we have heard them, Ali Mohammed Khan or others, this is not allowed. We are representing 25 crore awam. We are 342 members of this parliament. Kya hamari ye izzat hai? This is our respect. I'm sorry, Mr. Speaker, you have to take serious cognizance actions against this what happened yesterday.